आज आप पंद्रह प्यास में देखेंगे पाठ एक साखियां मान सरोवर स्वर जल हंसा केल करार मुक्ता फल मुक्ता जो है अब उड़े अनंत न जाए। प्रसंग प्रस्तुत पद्यान हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत है। इस साखी में कबीरदास जी सांसारिक विषयों काम मोद मद लोभ मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्या देखेंगे जीव सुमना मार्ग से पहुँच कर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में पीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूट कर जी भरकर चुक रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अनियत दूसरी जगह नहीं जा सकता। कहने का आशय यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। विशेष में कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोहबंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी है। केल कराई मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। जीव परम ब्रह्म के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता। सदुपकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखेंगे प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊँ प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश अमृत होए। प्रसंग में प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है। व्याख्या में कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विश्व अमृत में बदल जाएगा अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। विशेष में प्रेमी शब्द की आवृत्ति में काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा। कबीर ने निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा व्यक्त की। होमवर्क में साथियों से पद खंड एक और दो का प्रसंग व्याख्या विशेष दर्ज करना व्यक्त करना।